अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अरबाज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरबाज़ व्लॉग। आज हम आए हैं उन्नाव के सरजमीन पे है, बहुत बड़े वली है जिनका नाम है हज़रत महमूद शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह। आज हम आपको उनका आस्ताना दिखाएंगे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उनका आस्ताना बना है। आप अंदर चलिए। नाज़रीन, अब हम मज़ार शरीफ आ चुके हैं और ये है आस्ताने का पहला गेट है और ये आस्ताने की गलियाँ हैं जिससे हम अंदर जा रहे हैं और इसे खानकाह कादरिया भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे मरीज़ आते हैं, जिन्नात भूत या औसफी चक्कर होते हैं और यहाँ हाज़िरी भी लगाई जाती है। यहाँ बहुत सारे मरीज़ शिफा भी पा के जाते हैं और आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आप बगदाद से आए हैं, हिंदुस्तान आने से पहले आप मक्का मुकर्रम गए, फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा गए और फिर वहाँ से करबला गए और वहाँ से बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आप तकरीबन 14 साल रहे। आप वहाँ से गौसे आज़म में से हैं। आप हज़रत सैयद मत इब्राहिम सैफुद्दीन औलिया गौसे आज़म से आप मुरीद हुए, आपको खिलाफत मिली और आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। हाँ, तशरीफ़ लाने के बाद जहाँ जहाँ रुके आपने एक मस्जिद हर जगह तामीर करवाई और आप उन्नाव में भी मदरसे भी और मस्जिद भी आपने तामीर करवाई, जिस एक मदरसे का नाम है दारुल उल्म बनवाई और आपने हमेशा शरीयत पे काम किया है और आप गौसे आज़म की फैज़ अपने बांटते रहते हैं उन्नाव शरीफों में। माशाल्लाह से बहुत प्यारी दरगाह है और बहुत दूर दूर से यहाँ ज़ायरीन लोग आते हैं। मुझे भी बहुत सुकून मिला यहाँ आके, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।